सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से इन गर्मियों में अच्छे से चमक सकते हो, पिंपल फ्री रह सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपको पता है समर्स में आपके फेस पे बहुत ज्यादा स्वेट आने लगता है और कूलिंग लगता है अगर आपकी ओइली स्किन है तो। सो जिससे क्या होता है, जब भी आप बाहर जाते हो तो आपके फेस पे बहुत ज्यादा जल्दी जो डस्ट होती है वो जमा होने लगती है, एंड अगर आप उसको टाइम से नहीं निकालते हो, नहीं क्लीन करते हो, तो आपके फेस पे जो डस्ट है वो जमा होने लगती है और आपके पिंपल और इरिटेशन स्टार्ट होने लगती है। सो आपकी आपको एक इजी रूटीन बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जो फोन पर वो बिल्कुल आएंगे और आप बिल्कुल पिंपल क्लियर होंगे, एंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल इजी बताने वाला हूँ, उसको आप अप्लाई बहुत ईजीली कर सकते हो। सो वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इसलिए मैं आपको दो इजी स्टेप बताने वाला हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। सो उनमें से फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग का। सो क्लेंजिंग के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून हनी और 2 टेबलस्पून लेमन जूस। सो इनको दोनों को मिक्स कर लेना है और आपको अपने फेस पे जेंटली इसको अप्लाई करना है। सो आपको लेमन और हनी को अपने फिंगर से अपने फेस पे पहले के कंपैरिजन में अब आपका फेस ज़्यादा क्लीन और फ्रेश लगने लगा है, एंड जब आप एक सेकेंड स्टेप को अप्लाई करोगे आपके फेस पे तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो सेकेंड स्टेप के लिए आपको चाहिए बेसन, हल्दी, हनी। सो इनको किस तरह से आपको मिक्स करना है मैं आपको बताता हूँ। 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हनी। मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पे जेंटली इसको अप्लाई करना है। से 15 मिनट आपको इसको ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाता है तो इसको आपको कोल्ड वाटर से वॉश कर लेना है, एंड कोल्ड वाटर से इसलिए वॉश करना है क्योंकि जो आपके फेस के जो पोर्स होते हैं वो ओपन नहीं रहेंगे। सो आपको इसको कोल्ड वाटर से वॉश कर लेना है, एंड वॉश करने के बाद आप खुद फील करोगे कि पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आपका फेस जो है ब्राइट दिखने लगा है। सो इसको आपको वीक में एक बार यूज में लेना है, एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज में ले सकते हो, आई मीन अप्लाई कर सकते हो आपके फेस पर इस रेमेडी को। दोनों स्टेप को इसको आप के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप बाहर जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तो आप इसको 3-4 दिन में एक बार इजिली इसको अप्लाई कर सकते हो। सो आपको अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही इसको अप्लाई करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो। आप भी इस वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मैं एंड नेक्स्ट वीडियो में तो बनाऊंगा। सो अगर वो भी इसी करना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।